हेलो ऑल, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज दिनेश कुमार फ्रॉम गैजेट फ्रीक रिव्यू। दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है वो लावा मोबाइल के Z61 मोबाइल के बारे में है, जो कि हाल ही में मैंने खरीदा है ऑफलाइन शॉप से और मुझे लगभग मिला 6,000 रुपीज़ में। और ये सेम मोबाइल आपको ऑनलाइन में मिलता है लगभग 5,600 या 700 के रेंज में। तो यहाँ पे आपको जो मिल रहा है Z67, इसका एक और एक वेरिएंट भी आने वाला है जल्दी, शायद आ भी चुका होगा, मुझे पता नहीं, बट ऑफलाइन शॉप में तो नहीं था। तो यहाँ पे आपको बॉक्स कुछ इस तरह से मिलता है इस मोबाइल का। ये एक बजट ओरिएंटेड मोबाइल है और उसमें कुछ अच्छे स्पेसिफिकेशन लावा ने दिया है, जैसे कि यहाँ पे आपको मिलता है 5.45 इंच का HD स्क्रीन, जो कि 18:9 का फुल स्क्रीन डिस्प्ले आपको मिलता है विद कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास के साथ। और कैमरा देखा जाए तो आपको यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का मिलता है और फ्रंट कैमरा जो है 5 मेगापिक्सल मिलता है शार्प क्लिक कैमरा। और यहाँ पे आपके इमेजेस बहुत ही शार्प होते हैं और लाइट्स अगर अच्छे होंगे इन रूम में रात के वक्त तो भी कैमरा क्लैरिटी अच्छी होती है। और यहाँ पे आपको मेमोरी मिलता है 16 GB का और आई थिंक 34 GB का वैरियंट कुछ है या पता नहीं, एंड 1 GB का रैम इसमें मिलता है और 2 GB का भी शायद अभी आ जाएगा। और इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे बैटरी जो है वो 3000 mAh का बैटरी है, जो कि रिमूवेबल है विथ AI टेक्नोलॉजी। यानी इन केस अगर आप रात को फुल चार्ज करके सो जाते हैं, मोबाइल को बैटरी चार्ज करने के लिए सो जाते हैं, तो आई थिंक ऑटोमेटिकली ये 80 या 90% में थोड़ा थोड़ा स्लो होने चार्ज होने लग जाएगा। और इवन जो बैटरीज हैं इन केस ज़्यादा अगर आप मोबाइल यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इस हिसाब से शायद ये काम करेगा, क्योंकि मैं 2 दिन से यूज़ कर रहा हूँ। मैंने एक बार चार्ज किया था तो मुझे पूरा 1.5 दिन इसे मैंने आराम से यूज़ किया था, फिर भी बहुत सारा चार्ज था। तो मैं ज़्यादा तो यूज़ नहीं करता, ऑफिशियल के लिए यूज़ करता हूँ, तो बैटरी तो बहुत ही अच्छा कमाल का मुझे 2 दिन से लग रहा है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए मेड इन इंडिया आप लिखा हुआ है और यहाँ पे अगर आप सितंबर तक लेते हैं तो इसमें आपको फ्री स्क्रीन रिप्लेसमेंट आपको मिल जाता है। और यहाँ पे बॉक्स में अगर स्पेसिफिकेशन देखा जाए तो यहाँ पे आपको हैंडसेट, चार्जर, ईयरफोन्स, डेटा केबल, बैटरी बैक कवर और स्क्रीन गार्ड मिलता है। और यहाँ पे बॉक्स में जो प्राइसिंग है वो है 6,500 रुपीज़, बट ये आपको 6,000 एंड 6,000 के अंडर मिल जाएगा लावा का Z67। तो अब हम जाते हैं इस मोबाइल के अंदर हमें क्या क्या एक्सेसरीज मिलता है और देखते हैं कि मोबाइल दिखने में कितना अच्छा है और इसमें हमें क्या क्या मिलता है। तो मोबाइल में आपके वो मिलता है ये चार्जर मोबाइल के बॉक्स में, जो कि है 1.5 का फास्ट चार्जिंग, तो मोबाइल आप आराम से जल्दी चार्ज कर सकते हैं। और इसका जो USB केबल भी है वो भी जो नॉर्मल माइक्रो USB केबल आपको मिलता है। और इसके साथ हमें मिलता है एक ईयरफोन जो कि नॉर्मल डिज़ाइन का है, जो पुराने ज़माने का होता है ये वाला ईयरफोन, बट इसकी क्लैरिटी बहुत अच्छी है करके इन्होंने मेंशन किया है, तो उसे हमें टेस्ट करना होगा। और उसके बाद हमें मिलता है ये वाला सिलिकॉन बैक कवर, जो कि क्वालिटी थोड़ा अच्छा ही लग रहा है। और उसके साथ हमें स्क्रीन गार्ड मिलता है जिसे मैंने मोबाइल में अप्लाई कर दिया है। तो अब जाते हैं मोबाइल के लुक्स में। ये रहा मोबाइल का लुक। तो इसमें मैंने जियो सिम डाला है, तो जियो सिम आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको LED वाइट कलर का LED नोटिफिकेशन लाइट भी मिल जाएगा, फ्लैश भी मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको कैमरा और सेंसर्स हैं। ये आपको 18:9 का डिस्प्ले है यहाँ पे और बटन्स यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। ये आपको वाइट एंड गोल्ड वेरियंट में मैंने इसे ख़रीदा है और दिखने में देखा जाए तो ऐसा मेटलिक फिनिश देता है, बट ये प्लास्टिक है। साइड रिम शायद आपको मेटल मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको स्पीकर लावा, यहाँ पे कैमरा विथ फ्लैश 8 मेगापिक्सल का आपको मिल जाता है। लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ऊपर 3.5 mm का जैक है और नीचे चार्जिंग का पोर्ट है विथ माइक। और यहाँ पे देखा जाए तो ऑन ऑफ बटन एंड वॉल्यूम हाई एंड लो बटन्स मिल जाते हैं राइट साइड में। और फिनिश इसकी देखी जाए तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, एक प्रीमियम मोबाइल लगता है हाथ में, बजट ओरिएंटेड मोबाइल है बट स्टिल बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे। बट यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है और शायद बजट ओरिएंटेड है करके उन्होंने फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं दिया है, बट अदर स्पेसिफिकेशन देखा जाए तो मुझे अच्छा लगा। इसमें कुछ अच्छे अच्छे फीचर्स भी दिए गए हैं,
तो वो हम देखेंगे। तो मोबाइल को ऑन करते ही आपको इस तरह का स्क्रीन मिल जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। डिस्प्ले इसका बहुत ही अच्छा लगता है, स्मूथ है, टच भी उसका बहुत ही स्मूथ है। तो यहाँ पे मैंने एंटूटू बेंचमार्क का एक ऐप डाउनलोड करके रखा है, जिसमें हमें इस मोबाइल के बारे में डिटेल्स मिल जाएंगे। जैसे कि अब हम ओपन करके देख लेते हैं कि इसमें हमें क्या क्या डिटेल्स मिलते हैं एंटूटू बेंचमार्क में। तो पहले हम जाएंगे डिवाइस के बारे में, बट यहाँ पे मुझे लगता है कि डिवाइस के बारे में जो भी डिटेल्स इसमें दिए गए हैं वो थोड़ा गलत है। ब्रांड लावा Z67, यहाँ पे आपको मिलता है MT6739 का हार्डवेयर, और एंड्रॉयड आपको ओरियो मिलता है, गो एडिशन, क्वाड कोर प्रोसेसर है एंड 720x1440 का है रिजोल्यूशन। यहाँ पे आपको रैम 1 GB का मिलता है, सिस्टम स्टोरेज यहाँ पे 16 दिया है और आपको शायद 12 मिलेगा। और यहाँ पे देखा जाए तो ये यहाँ पे 5.7 इंचेस का बताया गया है, बट एक्चुअली ये 5.45 इंचेस का है। 320 DPI, 281 PPI, तो इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन जो है गलत हैं। जैसे 1000 mAh का बैटरी बताया गया है, बट एक्चुअली 3000 mAh का है। और तो इसमें एंटूटू का भी हमें प्रॉपरली डिटेल्स नहीं मिलता है। और सेंसर देखा जाए तो एक्सेलरेशन सेंसर है, लाइट सेंसर है, एक्सेलरेशन एंड प्रॉक्सिमिटी सेंसर इसमें बताया गया है, बाकी कुछ भी नॉट सपोर्टेड है। तो ये रहा एंटूटू बेंचमार्क का। और यहाँ पे अगर हम इसके मल्टी टच सेंस के देखा जाए तो 5 पॉइंट मल्टी टच है इसमें आपको मिलता है। और ये रहा एंटूटू बेंचमार्क के बारे में, जो ऐप्स हमें जो डिटेल्स मिलता है उसके बारे में। और देखा जाए तो इसका रनिंग एक जो वीडियोस होते हैं, ऑनलाइन वीडियोस हैं, वीडियो और एवरेज गेम्स जो होते हैं जैसे टेम्पल रन एंड ऑल, वो आराम से आप खेल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। तो मैंने इसमें ऑलरेडी कुछ गेम्स खेले थे और अभी मैं आपको एक वीडियोस भी रन करके बता देता हूँ, तो आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। यहाँ मिलेगा घर सजाने का मुश्किल से मुश्किल हर सामान। Amazon, इंडिया के सपनों की अपनी दुकान। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश और आप देख रहे हैं गैजेट फेक रिव्यू। सो थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा आज मेरा अनबॉक्सिंग किस मोबाइल के बारे में है। तो ये जो मोबाइल है IOMI i1, जो कि इसके प्राइसिंग के वजह से और इसके कुछ अच्छे स्पेसिफिकेशन के वजह से, तो आई होप आपको आइडिया मिल गया होगा। तो ऑनलाइन वीडियोस आप आराम से देख सकते हैं, वाईफाई, GPS, ब्लूटूथ भी आपको इसमें मिल जाता है, इवन गेम्स भी आप आराम से खेल सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, स्मूथली चलता है। बड़े बड़े हैवी गेम्स आप शायद नहीं खेल सकते, बट नॉर्मली इस तरह के गेम्स आप आराम से खेल सकते हैं। हीटिंग इश्यूज अभी तक मुझे कोई आया नहीं है, हीटिंग इश्यूज बिल्कुल नहीं आए हैं, मैंने यूज़ किया है। तो अभी गेम्स थोड़ा खेलने में लाइट आपको हीट फील होता है पीछे, बट उतना नहीं होता कि एकदम ज़्यादा ही गर्म होना वाला, ऐसा कुछ फील मुझे अभी तक नहीं दिया है। और इसकी स्क्रीन क्लैरिटी भी मुझे बहुत ही अच्छी लगी। तो अब जाते हैं हम, इसके एक स्पेशल फीचर है जो कि कैमरा है। कैमरा में अगर आपको यहाँ पे देखा जाए तो आपको यहाँ पे कुछ अच्छे अच्छे फीचर्स दिए गए हैं। 8 MP का रियर है, फ्रंट में भी है, तो आप फ्रंट और रियर कैमरा में दोनों में भी आप बोके इफेक्ट ला सकते हैं। इस ब्यूटी जो ये है आपको ऑप्शन दिया गया है उसमें आप बोके इफेक्ट भी दे सकते हैं। फनी कैम, यहाँ पे आप अपने फेस को बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे वोशन दिया गया है, देखिए वीडियोस बनाने के लिए, पिक्चर क्लिक करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, उस तरह के यूज़ करके आप फनी कैमराज के जरिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और आपको बहुत सारे इसमें सेटिंग्स दिए गए हैं, जैसे कि सुपर नाइट, वीडियो ब्यूटी, टाइम लैप्स, फिल्टर, टेम्पलेट, पेनोरामा एंड माइक्रोस्पर, इस तरह के अच्छे अच्छे फीचर दिए गए हैं। और क्लैरिटी भी इसकी बहुत ही मुझे अच्छी लगी, भले ही 8 MP हो बट क्लैरिटी मुझे अच्छी लगी। बट इसके बारे में कुछ डिटेल्स मैं आपको आगे के एक वीडियो में ज़रूर बताऊंगा, अभी के लिए सिर्फ एक जल्दी जल्दी एक वीडियो बना रहा हूँ। तो क्लैरिटी भी मुझे ठीक ठाक लगी है, अभी इन रूम के लाइट से ही आपको जो भी दिख रहा है क्लैरिटी दिख रहा है, तो क्लैरिटी इसकी अच्छी है। तो फिर भी इसका एक डेप्थ रिव्यू मैं ज़रूर करूँगा कैमरे के बारे में, और इवन मॉर्निंग टाइम में इसके वीडियोस और फोटोज़ किस तरह के आते हैं उसके अलग से वीडियो बना लूँगा।
बट ओवरऑल देखा जाए तो 6000 रुपीस में आपको एक बजट ओरिएंटेड एक अच्छा मोबाइल आपको मिल जाता है, फुल व्यू डिस्प्ले मिल जाता है, 4G वोल्टी मोबाइल मिल जाता है, और आपको यहाँ पे स्पीकर भी देखा जाए तो एवरेज साउंड करता है, बहुत ही लो भी नहीं है और हाई भी नहीं है, और दिखने में भी एक प्रीमियम मोबाइल लगता है। फिंगरप्रिंट स्कैनर से भी इन्होंने नहीं दिया है, बट ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही अच्छा मोबाइल दिया है। कैमरा क्लैरिटी भी बहुत ही अच्छी है, इसमें आप आराम से गेम्स वीडियोस ऑनलाइन आराम से देख सकते हैं, और यहाँ पे आपको कुछ अच्छे अच्छे एडेप्टिव ब्राइटनेस का फीचर्स दिया गया है, और अच्छे अच्छे फीचर्स कुछ और भी दिए गए होंगे बट फुल्ली मुझे अब तक डिटेल्स नहीं पता, बट नॉर्मल जो हमें सभी एंड्रॉयड मोबाइल्स में मिलता है उस सब सारे फीचर्स इसमें हैं ओरियो गो एडिशन का। और यहाँ पे इस मोबाइल के बैक साइड को आप निकालेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे माइक्रो सिम और नैनो सिम डालने का ऑप्शन, यहाँ पे मेमोरी कार्ड, और यहाँ पे बैटरी जो कि रिमूवेबल है, और ये प्लास्टिक है मेटेलिक नहीं, और ये साइड रिम शायद मेटेलिक है। तो यही है मेरा वीडियो इस मोबाइल के बारे में अभी के लिए, और इसका एक डिटेल रिव्यू मैं ज़रूर देना चाहूँगा क्योंकि इस मोबाइल को भी यूज़ करके सिर्फ 1.5 दिन हुए हैं मुझे, और 1.5 दिन में काफ़ी मुझे अच्छा लगा, स्मूथ लगा, और बैटरी तो बहुत ही वाव लगा मुझे इसका। AI टेक्नोलॉजी भी इन्होंने दिया है तो वो एक अच्छी बात है, और फुल व्यू डिस्प्ले है, 5.5 के नॉर्मल मोबाइल के कंपेयर करेंगे तो ये छोटा लगता है बट स्क्रीन इक्वली कंपेयर है, बहुत ही प्रॉपरली दिया गया है। मेरे पास 5.5 का K8 नोट है जिससे वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, और उसके साथ अगर कंपेयर करेंगे तो ये छोटा लगता है बट स्क्रीन इज इक्वलेंट। सो अभी के दैट्स इट, तो आगे के देखते हैं, वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगा फुल डिटेल रिव्यू इस मोबाइल के बारे में, बट ओवरऑल आई एम इम्प्रेस विद दिस मोबाइल। सो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।